लगते हैं सेवन नंबर, कह रहा है कि ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात। हमें क्या निकालना है, घन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा, समझ रहे ना, सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा, और यहाँ आपका दूसरा जो है आपका शंकु है, तो शंकु का आयतन एक बट्टा तीन पाई आर का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ए का स्क्वायर और इंटू में एच आपका ए ही होगा, देख लीजिए ऊंचाई भी और त्रिज्या भी ए दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया और ये देखो ये दोनों मिलकर एक क्यूब हो जाएंगे तो एक क्यूब भी कट जाएगा, यहाँ पे तीन ऊपर से जा रहा है, तीन बट्टा पाई यानी कि तीन अनुपात पाई यहाँ से आंसर आ जाएगा, तीन अनुपात पाई। चाहो तो पाई का मान भी हम लोग 22/7 यहाँ रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ये है, ये तो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है हमारा रवि कांत सर के नाम से, रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in जाके सीधे गूगल पे सर्च करेंगे और वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।